नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में बोले पीएम मोदी, कहा 2022 में योगी और मोदी मिलकर करेंगे विकास। 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात, सपा पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की पहली साझा रैली मेरठ में, एक मंच पर साथ नजर आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। जाटलैंड में दोनों दलों ने किया शक्ति प्रदर्शन, कहा पश्चिम से डूबेगा बीजेपी का सूरज। December 15 से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4 महीने के लिए लेखा अनुदान लाएगी सरकार। राज्य कर्मचारियों और युवाओं को लुभाने की हो रही है तैयारी। मुजफ्फरनगर में 17 स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, 2 स्कूल संचालकों ने स्कूल में प्रैक्टिकल के बहाने बुलाकर की छेड़खानी। खिचड़ी में नशीला पदार्थ खिलाकर की छेड़छाड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और मिर्जापुर के वडिहान में बड़ा हादसा, पुआल के ढेर में लगी भीषण आग। घटना में 3 सगे भाई बहनों की दर्दनाक मौत, घटना से परिवार में मचा कोहराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और इसी को लेकर पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय मेडिकल अनुसंधान केंद्र की 9 प्रयोगशालाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के लोकार्पण से रोजगार बढ़ेगा, विकास की रफ्तार तेज होगी, स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय होंगी, इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2016 को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था। 1,011 करोड़ रुपए की लागत वाला एम्स गोरखपुर अब बनकर तैयार है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना,
गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर काला जार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बनकर के इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोजा के रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही जिले में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी शाहजहांपुर वासियों को देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचेंगे, तो वहीं जनसभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे बरेली मंडल के कमिश्नर आज रमेश ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। हवाई पट्टी का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
और हमारा डीएम साहब और एसएसपी साहब और पूरा पुलिस फोर्स और इस संबंध में तैयारी के संबंध में ये जुटे हुए हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का प्रोग्राम आया है, कल हम यहाँ पे मीटिंग भी करेंगे, कल 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में है माननीय मुख्यमंत्री जी आने का है। उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर आकर के जो कल का मीटिंग के बारे में हम और आईजी साहब बरेली से आए हुए हैं, हम समीक्षा किए जा रहे हैं कल की मीटिंग के बारे में। मेरठ में पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच पर नजर आए। दपथुआ में सपा रालोद की संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली आयोजित हो रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रालोद ने सपा से गठबंधन किया है। इससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव रालोद के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने अपने दम पर लड़ा था। 2017 के चुनाव में लोकदल को सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा। रालोद सिर्फ जाटलैंड के गढ़ छपरौली की सीट ही बचा सकी थी। 2017 के चुनाव में आरएलडी के छपरौली सीट से सहेंद्र सिंह जमाला अकेले विधायक बने, लेकिन वह भी लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मौजूदा समय में आरएलडी का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे समय में लोकदल अपने वजूद का संघर्ष कर रही है। आगामी चुनाव को लेकर सपा और लोकदल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच 36 सीटों पर सहमति बन चुकी है। इनमें अधिकांश सीटें जाट बाहुल्य क्षेत्र की हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें योगी सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा कराने के लिए जरूरी बजट का इंतजाम होगा। इसमें मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरी योजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार कई सौगात का ऐलान कर सकती है, साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान भी लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि कोरोना के नए स्वरूप के खतरे से विधानमंडल का ये शीतकालीन सत्र बेहद छोटा हो सकता है। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान मंजूर कराएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव मांगे थे। इसमें चुनाव कराने के लिए गृह विभाग द्वारा किए जाने वाले खर्च, प्रशासनिक खर्च के लिए भारी धनराशि का इंतजाम होगा। साथ ही राज्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते के लिए जरूरी धनराशि भी लेखानुदान प्रस्ताव में रखी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में ज्यादा समय नहीं बचा है। दिसंबर में ही योगी सरकार अपनी उन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगी जो जनता को राहत देने के लिहाज से महत्वपूर्ण और अंतिम चरण में है। इसमें युवाओं को वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को यूपी के बस्ती जिले में दौरे पर पहुंचे। सीएम बघेल हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे। इसके बाद भानपुर के बेड़वा में आयोजित किसान न्याय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। सम्मेलन को उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा, कांग्रेस नेता बसंत चौधरी और अंबिका सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। यूपी के मिर्जापुर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। मड़िहान थाना क्षेत्र के पचोखरा खुर्द गांव में पुआल में आग लगने से 2 बहनों और एक भाई की जलकर मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक पचोखरा खुर्द गांव निवासी जितेंद्र कुमार खेती करता है। इस बीच खेत में धान की थ्रेसरिंग की गई। धान रखने के लिए खेत में ही खलिहान बनाया गया था। ऐसे में अचानक से पुआल में आग लग गई, जिससे पुआल में घर बनाकर सो रहे बच्चे जिंदा जल गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यूपी के कानपुर देहात में बड़ा हादसा सामने आया। यहां अकबरपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर खराब खड़े डंपर को यात्रियों से भरी बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डंपर ठीक कर रहे मैकेनिक और बस सवार एक दर्जन वकील और सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित एसडीएम मौके पर पहुंचे तो वहीं पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डंपर चालक और मैकेनिक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। कोरोना के कहर में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की जान चली गई थी, उनके परिजनों को यूपी के सीएम योगी की ओर से 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर बैंक खातों में सीधे ही भेजी जा रही है। इसके लिए जिन पीड़ितों या परिजनों ने शासन प्रशासन को मदद के लिए तय मापदंड के अनुसार आवेदन किया था, उन्हें सरकार की ओर से यह मदद दी जा रही है। इस मामले में सरकार ने कोर्ट के आदेशों की पालना की। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद में 50,000 प्रदान करें। बता दें कि कोरोना काल में योगी सरकार ने ऐसे पीड़ित परिजनों की मदद करने की घोषणा की थी और इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और कैंप लगाकर पात्र परिवारों को सहायता देने का काम भी शुरू किया गया। अब तय गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना में मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार ने 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस मामले में जिन लोगों या पीड़ितों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे शासन को जल्द ही तय मापदंड में आवेदन कर सकते हैं। दसवीं क्लास की दो छात्राओं के साथ बलात्कार की कथित कोशिश करने का एक मामला मुजफ्फरनगर जिले में सामने आया है। दोनों आरोपी एक निजी स्कूल के कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी सीबीएसई हाई स्कूल की प्रैक्टिकल के बहाने 17 छात्राओं को अपने साथ ले गए और एक स्कूल में रोका, जिसके बाद खाने में खिचड़ी में नशा मिलाकर उनके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश की गई। इस मामले में बीजेपी विधायक द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो एफआईआर दर्ज हो सकी। जिले के एसएसपी अभिषेक यादव ने इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। में जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि बीजेपी के विधायक की तरफ से एक शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुरकाजी थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। स्कूल के दोनों आरोपी संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां भीरा पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के दो अभियुक्तों को धर दबोचा, साथ ही चोरी के साथ बाइक जब्त की। आपको बता दें कि भीरा थाने की पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मैलानी तराहा से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध नशीला पदार्थ एल्प्राजोल के 5 पत्ते, 2 देशी तमंचा सहित जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीती रात में थानाध्यक्ष भीरा के नेतृत्व में गश्त के दौरान दो व्यक्तियों को चेक किया गया तो उनसे दो गाड़ियां मिली जो चोरी की थी। उनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इसी जनपद की चोरी की हुई संपूर्णानगर, गोला, पलिया से करीब 8 गाड़ियां मिली हैं। सभी गाड़ियों का उन थानों पर मुकदमा लिखा हुआ है। इनके पास से दौराने तलाशी में असलहे भी मिले हैं, 2 असलहे मिले हैं और कुछ नशीली गोलियां मिली हैं जो ये लोगों को खिला करके और अपराध करते हैं। नशीली गोलियां बरामद हुई हैं और इनको मुकदमा लिख करके इनको जेल भेजा जा रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।